नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट चुका टिक का एक फ्रेशर एक्सरसाइज के मुझे पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं BSNL 3G का अभी लाइव स्पीड टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि अभी गुजरात स्टेट के अंदर किस तरीके से BSNL 3G का अभी स्पीड अभी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे जगह के अंदर अभी 4G यहाँ पर अवेलेबल नहीं हुआ है। आप लोगों को पता है कि काफ़ी सारे जगह के अंदर BSNL का 4G के ऊपर काम चालू है, काफ़ी सारे जगह के अंदर ऑलरेडी 4G यहाँ पर स्टार्ट हो गया। इसके बारे में हमारे पास जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना के अपडेट बताता हूँ, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि BSNL 3G का अभी स्पीड जो है वो अभी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पर भी अच्छा हो गया है। क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं मेरे एरिया के अंदर अभी मैं गुजरात सिटी के अंदर हूँ तो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर स्पीड मिल रहा है वो मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो फिर चलिए बड़े मैं इसके आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके एरिया के अंदर आपको BSNL 3G के अंदर कितना स्पीड मिलता है आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में कमेंट करके बताइए, अपना एरिया का नाम यहाँ पर मेंशन करके। तो फिर चलिए बड़े मैं इसके आज के इस छोटे से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर मैंने एक स्मार्टफोन ले लिया और इस स्मार्टफोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो अभी यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं मैं आपको प्ले कर रहा हूँ। और इसके लिए मैं अभी जो यहाँ पर एप्लीकेशन यूज़ करूँगा वो यहाँ पर है ओकला एप्लीकेशन। आप लोगों को पता है कि ग्लोबल लीडर यहाँ पर ओकला एप्लीकेशन है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, स्पीड टेस्ट के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट यहाँ पर रिजल्ट देता है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर एप्लीकेशन को प्ले कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्पीड टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं टावर का बाजू में भी यहाँ पर H+ लिखा है, यानी कि 3G है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं BSNL 3G है, भारत संचार नेगा लिमिटेड। और आप डाउनलोडिंग स्पीड देख सकते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं 7.43, 45, 50, 70 इसके आसपास यहाँ पर आ रहा है। ओके, देखते हैं अभी स्पीड टेस्ट चालू है तो जो डाउनलोडिंग जो स्पीड यहाँ पर आया हुआ यहाँ पर आया है 7.79 MBPS, जो कि काफ़ी बढ़िया है 3G के हिसाब से। और अपलोडिंग स्पीड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आ रहा है, 1 MBPS के आसपास आ रहा है। और मैं आपको बता दूँ, मैं जो स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर वो इंडोर के अंदर कर रहा हूँ, घर के अंदर कर रहा हूँ, घर का सारे विंडो दरवाज़ा वगैरह सब कुछ बंद करके कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो अपलोडिंग स्पीड यहाँ पर आया 1.63 MBPS का, जो कि काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर 3G का। मैंने आपको स्पीड से बता दिया, पहले यहाँ पर इतना स्पीड नहीं आता था, पहले यहाँ पर मुझे 1 MBPS के आसपास यहाँ पर आते थे, लेकिन अभी आप लोगों को पता है कि हर एक जगह के अंदर अभी काम चालू है। BSNL यहाँ पर अपने 3G टावर को 4G के अंदर अपडेट कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर 3G का स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ भी दिखा दिया, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पूछते भाई हमारे एरिया के अंदर अभी तक BSNL का 4G नहीं आया, तो हमारे एरिया के अंदर BSNL का भी 3G अच्छी तरीके से पर नहीं चलती। तो आप एक बार स्पीड टेस्ट करके देखिए, अभी आप में से काफ़ी सारे लोगों का मुझे कमेंट भी आता है कि भाई हमारे एरिया के अंदर 4G तो नहीं है, लेकिन 3G का स्पीड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि मेरे एरिया के अंदर भी अभी मैं यहाँ पर गुजरात के सूरत सिटी से हूँ, तो यहाँ पर भी स्पीड टेस्ट काफ़ी यहाँ पर बढ़िया यहाँ पर आया 3G के अंदर। 3G के सबसे काफ़ी अच्छा मुझे स्पीड भी मिल रहा है, वो भी इंडोर कंडीशन का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बाहर जाकर स्पीड टेस्ट करूँगा तो शायद मेरे को यहाँ पर इससे भी ज़्यादा मिल जाएंगे 15-20 MBPS का। अभी मैं घर का इंडोर कंडीशन के अंदर हूँ, पूरे तरीके से यहाँ पर मेरा घर का जो विंडो वगैरह है, डोर वगैरह सब कुछ बंद है, और मैं पूरे तरीके से यहाँ पर बंद कमरे के अंदर स्पीड टेस्ट के ऊपर प्ले किया है। इस तरीके का स्पीड मुझे मिला है BSNL 3G के अंदर। तो दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं कि BSNL का 4G जब आएगा काफ़ी अच्छा आपको ज़बरदस्त स्पीड मिलेंगे 4G के अंदर। काफ़ी सारे लोग के एरिया के अंदर, जिस एरिया के अंदर भी यहाँ पर 4G आ गया वहाँ पर उन लोगों को स्पीड काफ़ी अच्छा मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको और भी यहाँ पर नया वीडियो लेकर बताऊंगा BSNL 4G का। अगर कोई यहाँ पर सब्सक्राइबर हमको भेजता है BSNL 4G का स्पीड टेस्ट, तो आप यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप एक BSNL के ऐसे कस्टमर, आपके एरिया के अंदर BSNL का 4G आ गया है, आप मुझे अपने BSNL 4G का स्पीड टेस्ट का वीडियो शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के अंदर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, या फिर आप हमारा जो मेल आई डी है, हमारा जो बिजनेस मेल आई डी है, वहाँ पर भी आप मुझे यहाँ पर वीडियो सेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपके एरिया के अंदर BSNL 4G आ गया, आप कितना स्पीड आपको मिल रहा है वो भी मुझे वीडियो के कमेंट से कॉल करके बताइए। और अगर आपके एरिया के अंदर BSNL का 3G 2G आपको कितना स्पीड मिल रहा है वो भी आप मुझे वीडियो का भी कमेंट से कॉमेंट करके बताइए। अभी आपके एरिया के अंदर लाइव स्पीड टेस्ट कीजिए और बताइए आपके एरिया के अंदर आपको किस तरीके से सर्विस BSNL प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि BSNL का सब कुछ अच्छा है, प्लान वगैरह सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका 4G नहीं है, जिसके वजह से BSNL अभी थोड़ा सा पीछे चला जाता है, लेकिन BSNL का 3G अभी काफ़ी अच्छा हो गया है, मैंने आपको ऊपर दिखा दिया। तो वीडियो अगर पसंद है, वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड फैमिली मेंबर के साथ ज़्यादा शेयर करो। और इस तरीके का स्पीड टेस्ट का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं डेली बेसिस में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में देखिए जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल में प्रेस कर दो। इस तरीके का स्पीड टेस्ट से रिलेटेड वीडियो, एंड्रॉइड टिप्स एंड ट्रिक और यहाँ पर टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट ऑफर न्यूज आता है वो आपको हमारे चैनल के अंदर सबसे पहले मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, नोटिफिकेशन, तब तक के लिए
गुड बाय।